हजरात, जैसा को जैसा आपको मालूम है, ये सालाना प्रोग्राम की चौथे दिन की आखिरी मजलिस हो गई अलविदाई, और मैं सारे ज़ायरीन का, मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो भी हमसे बेहतर इंतजाम हुए वो हमने किए, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस साल ये दरगाह आलिया नजफ़ हिंद शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सीधे कंट्रोल में थी, और हमारे आली जनाब वसीम रिजवी साहब चेयरमैन ने मेरे ऊपर एतमाद करके यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया था। मैंने पूरी कोशिश की कि उनके एतमाद के मैं खरा उतरूँ, और इस काम के लिए उन्होंने हमारे दो वक्फ बोर्ड के मेंबर जनाब मौलाना आजम हुसैन जैदी साहब और जनाब अशफाक हुसैन जिया साहब भेजे थे, जिनकी देख रेख में, निगरानी में, उनके मशवरे से ये सारा प्रोग्राम किया गया। जनाब वसीम रिजवी साहब ने इस वक्फ की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर हमें इंतज़ाम कराने के लिए कहा था, उन्हीं के आदेशों का यहाँ पालन किया गया, और मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि उनके लिए आप दुआ करें कि पूरे यूपी में वक्फों की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर काम करें और बहुत बेहतर इंतजाम करें हर वक्फ में। और मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर से मौलाना आजम हुसैन जैदी मेंबर और अशफाक हुसैन जिया मेंबर का, जिनके मदद से, मशवरों से और उनकी निगरानी में ये मजलिसें हुई। और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इंशाल्लाह अगले साल ये मजलिसें फिर बरपा होंगी, और इन मजलिसों को अगले साल के लिए मुलतवी करता हूँ। खुदा हाफिज़, सलामुन अलैकुम।